वेलकम बैक टू सादिक व्लॉग्स इन कराची। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर ठीक है तो कमेंट में मेंशन करें, और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बता दे चलें, और अगर कुछ कमी बेशी हैं तो वो भी हमारे लिए आपकी राय काबिले कबूल है। तो आज मैं पहुंच चुका हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं मलिक पाया बिरयानी एंड निहारी। दोनों भाई यहाँ पे जो है ना दस्तियाब है, ये यूँ समझ लें नाज़ाबाद नंबर 3 का इलाका है। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अंदर जो है ये जो इलाके बने हैं उसके अंदर ये नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो बड़ा ज़बरदस्त और मज़ा आने वाला है। यहाँ पे पाया बिरयानी जो है स्पेशल है, क्योंकि नली बिरयानी तो हम लोग जो सुनते रहते हैं, आज पाया बिरयानी भी टेस्ट करते हैं इन साहब की। और न्यू ओपनिंग है, यूँ समझ लें कुछ ही दिन हुए हैं, और देखते हैं क्या टेस्ट है, क्या मज़ा है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ काउंटर पे फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है दो देगे लगी हुई हैं, बिरयानी भी है जिसके अंदर, और आगे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो आप नाम बताएं, नाम क्या है भाई पहले? मेरा नाम है, दुकान का नाम? आपका नाम बताएं। फैजान मलिक मेरा नाम है, और दुकान का नाम है मलिक पाया बिरयानी एंड नहारी। और जैसे कि आपने बताया अपने व्यूवर्स को कि हम लोग यहाँ पे देगे रखी हुई है, तो इन देगों में जो है बिरयानी रखी हुई है, एक में हमारे पास बीफ बिरयानी है और बीफ पाया बिरयानी, ये एक हमारी न्यू इंट्रोड्यूस है। और ये जो है बेसिकली बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये नली बिरयानी है, बेसिकली ये नली बिरयानी नहीं है, ये पाया बिरयानी है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो है हम लोग पाए को रिंग्स में कटवा रहे हैं, उस पर बोटी का रैप भी आ रहा है और साथ में नली भी आ रही है। साथ साथ हमारे पास जो है चिकन बिरयानी भी होती है, और इसके अलावा हमारे पास नहारी भी होती है। सही है। तो भाई फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पर आया था स्पेशली नली बिरयानी समझ के आया था, लेकिन अभी पता चला है कि भाई ये नली बिरयानी नहीं है, पाया बिरयानी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमारा जहन वो ये है कि पाया बिरयानी नली बिरयानी एक ही है। नहीं नहीं भाई, अभी फैजान भाई ने क्लियर किया है, कह रहे हैं भाई पाया अलग चीज़ है, नली अलग चीज़ है। तो आए देखते हैं क्या चीज़ है, देख के अंदर दिखाया भाई फैजान भाई। तो बेसिकली ये जो है बीफ है, बछिया के गोश्त में हम लोग बनाते हैं, और ये जो है आपके पाए का पीस है, इसके ऊपर बोटी भी है, और साथ में यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये जो है इसके साथ नली भी है। सही, रोगनी बोटी जिसे हम कह सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हो, कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बेसिकली ओरिजिनली ये पाया है। ठीक है जी भाई, देखें इस खजाने में जो है काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन फैजान भाई जो बता रहे हैं वो बेसिकली ये पाया है। तो भाई बड़ी ज़बरदस्त जो है का बिरयानी का एक सेशन लग रहा है, और जो इस तरह की जो बिरयानी होती है फ्रेंड्स, मैं उसको ऑफिशियली तौर पे लाइक करता हूँ। अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के रखने के, किसी ने साला नीचे रखा होता है, चावल ऊपर होते हैं, किसी का चावल बीच में होते हैं, साला इस तरह एक्स वाई ज़ेड सब कुछ होता है, लेकिन ये अंदाज जो है मुझे ऑफिशियली मैं लाइक करता हूँ। आगे चले तो आगे क्या है फैजान भाई? ये जो है चिकन बिरयानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन और आलू की जो है बिरयानी है, ये भी बिल्कुल जस्ट फ्रेश, अभी अभी पतीला लगा है। सही है। तो ना अच्छा, इसके अंदर जो है पहले आपने जो है सालन नीचे रखा हुआ, चावल ऊपर रखा है। बेसिकली यखनी बिरयानी होती है, जो हम लोग पहले जो है चिकन भी हो गई या पाया हो गया या बीफ हो गया जो भी, उसकी हम लोग पहले यखनी बनाते हैं, यखनी के बाद उसमें पसाव डालते हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं हम उस टेक्निक्स को लेके चल रहे हैं, और उसके ऊपर जो है हम लोग केटरिंग पे भी ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर पक रहा है, तो ये अभी एक बीफ पाया का ही हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, तो हम लोग केटरिंग भी कर रहे हैं, मतलब सिर्फ बिरयानी नहीं, इसके अलावा हर चीज़ की केटरिंग हमारी ऑन गोइंग है। सही सही। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये चैनल पे फर्स्ट टाइम जो है केटरिंग आ रहा है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि बिरयानी बनाने का क्या सीन होता है इसके अंदर। अच्छा फैजान भाई, आप आए, आपको ज़्यादा पता होगा फैजान भाई से। आए भाई, ये देखें भाई, ये उस्ताद हैं यहाँ बिरयानी बनाने वाले। इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं देख के अंदर ये बताएं। पीसी हुई मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना होता है, टमाटर होती है, सब चीज़ होती है, मसाले। सही है। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके जो है बना रहे हैं। अच्छा, जो सब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वही आपका अपना केमिस्ट्री बनाया हुआ फॉर्मूला है? अपना फॉर्मूला है। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं इसके अंदर सारी चीज़ें ये यूज़ कर रही हैं भाई, हर किसी का जो है अपना अपना अंदाज होता है, अपनी अपनी ट्रिक होती है, और ख़ास तौर पर मैं जो मानता हूँ, मेरा जो कहना है, इसके अंदर हाथ का भी एक जायका होता होगा, ये बात सही है? जी बिल्कुल होता है। सही है। तो मैं भी अपना हाथ लगा लेता हूँ फ्रेंड्स के बाद, देखते हैं क्या होता है, ज़रा चमचा दिखा। तो ये देख लें भाई, इतना बड़ा चमचा है, आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप लोगों के सामने मैंने ये चमचा पकड़ा है, और इसको हिला दूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है।
भाई ये देख लें अंदर जो है ये उबल भी रहा है, गोश्त भी है और इसके अंदर जो ये कुटी हुई मिर्चें काफ़ी सारा जो है ना मसाला आप लोगों को फ्रेंड्स दिख रहा होगा। यार मज़ा आ गया आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है इसका जो है यार वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अब मेरा हाल लग चुका है तो आप लोगों का अगर टेस्ट करनी हो तो अभी तो मिलेगा नहीं, फिलहाल ये ऑर्डर का है वैसे भी नहीं मिलेगा आपको, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो जब तक ये देख ख़त्म हो चुकी होगी। बहुत ज़बरदस्त भाई, ये मुझसे तो हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी हुआ हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम है लाइफ में। बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। अच्छी बने ना बिरयानी तो बता देगा हमें कमेंट में, और अगर अच्छी ना बने तो नहीं बताएगी, हमारे फ्रेंड्स को बताना चलना चाहिए। ओके अच्छा जी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या डालना है, अभी तैयार करेंगे या ऐसे रखा हुआ है इसको? ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें चावल बॉयल होते हैं। बहुत वी आई पी यहाँ पे जो है ये मसाले रखे हुए हैं, ये तली हुई प्याज हो गई, इमली हो गई, और ये यहाँ पे जो है जीरा वगैरह और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे मसाले होते हैं। भारत में तो कोई शेफ़ या बावर्ची तो हो नहीं जो मैं आपको इतना सारा बता दूँ, लेकिन मसाले यहाँ पे हैं ऑलरेडी, और चावल वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारी, बहुत कुछ रखा हुआ है, आलू भी हैं और पार्सल वगैरह बिरयानी के जो डब्बे होते हैं वो भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त इनका यार सिस्टम चल रहा है वी आई पी तरीके से, न्यू ओपनिंग है और बहुत ही वी आई पी चल रहा है। आपका केटरिंग का सिस्टम देख लिया माशाल्लाह, आपके पास जो बावर्ची है बहुत ज़बरदस्त है, और सेकंड है मेरा हाथ भी लग चुका है इसके ऊपर तो घबराइएगा नहीं तो फैजान मैं ये पूछना चाहूँगा आपकी न्यू ओपनिंग है या पहले से चलता आ रहा है? नहीं, अभी हम लोगों को 2 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे अभी तक का। सेकेंडली अभी जो है ऑनगोइंग हम लोगों ने डील्स ओपन करी, जैसे ओपनिंग डील्स हमने ऑन करी हुई हैं, बाय 4 चिकन बिरयानी गेट 1 फ्री, बाय 2 बीफ पाया बिरयानी गेट 1 बीफ फ्री, बाय 2 नहारी गेट 2 खीर फ्री। सो ये भी डील्स जो हैं ऑनगोइंग हैं, ओपनिंग डील्स हैं, तो जो भी हमारे ब्रदर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, वो इस टाइम पे आके इस ऑफर से मुत्तफिक हो सकते हैं, मतलब इन्जॉय कर सकते हैं। भाई डील्स के जो हैं मुझ समेत काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे होते होंगे डील्स के दीवाने हैं, भले बर्गर में हो, पिज़्ज़ा में हो या बिरयानी में हो, और बिरयानी के डील्स आ जाएँ तो लोग जो ना टूट पड़ते हैं, तो वही वाला हिसाब है यहाँ पे। तो ये डील्स जो है आपकी कब तक है? अभी ये काफ़ी टाइम तो रहने वाली है, कुछ दिन के लिए ही तो ये ऑनगोइंग है, लेट्स सी के आगे कहाँ तक जाते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि अभी कमिंग 1 मंथ तक ये डील्स ऑनगोइंग है। ठीक है जी, ठीक है, तो फ्रेंड्स घबराइएगा नहीं, मेरी वीडियो जैसी अपलोड हो जाएगी आप लोग यहाँ पर आके देख के, और ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं ये? जी बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह दे दूंगा, प्लस जो है लोकेशन पिन दे देंगे, और जिसको बंदा करने डिलीवरी हम लोग करते हैं होम डिलीवरी, उसके अलावा फूड पांडा पे भी हैं तो फूड पांडा से भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी भी कर सकते हैं, इवन हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर देंगे। धमाका हो गया भाई एक और दफ़ा, और बहुत ज़बरदस्त हो गया काम, सारी चीज़ें आपको यूँ से पहले आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी जो है ऑर्डर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अब फाइनली अब जो इनके पास जो ज़बरदस्त चीज़ है और हमारे चैनल पे अभी तक जो अपलोड नहीं हुई है वो है निहारी। ये देख लें कैसी ज़बरदस्त घूमती हुई निहारी है, बहुत ही वी आई पी निहारी, वाह ज़बरदस्त यार। निहारी का जो शोरबा, इसका जो गाढ़ापन होता है ना यार, वो वाकई ख़ानदानी रिश्ता बताता है हमारा। वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त। और एक और बेसिकली इसके अंदर चीज़ फ्रेंड जो आपको बता रहा हूँ, ये जो इसकी जो देग लगी हुई होती है ज़मीन के अंदर, यार ऐसा लगता है कि बड़ी मेहनत और जिद्दत से जो है ना नारी बनी है और ज़मीन के अंदर से निकाल के खाना है इसको, बहुत ही यार एक अपना अंदाज पेश करती है। अच्छा जी, नारी जो आपके पास कितने की है? नहारी जो है इस टाइम हम लोग 200 रुपीज़ की सेल कर रहे हैं, सादी नहारी 300 की, मगज़ नहारी और 300 की नली नहारी, स्पेशल नहारी हमारे पास 400 रुपीज़ की है, और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है नहारी का भी, लेट्स सी आगे कैसा आता है, तो उम्मीद तो ये है और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हुए चल रहे हैं कि हमारे साइड से कोई कमी पेशी ना हो, बाकी जो है कस्टमर्स की राय हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोग भी मेरी तरफ आते हैं, कोई भी कमेंट देते हैं या फिर कोई भी रिमार्क्स देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग फौरी अमल करते हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोगों को टेस्ट समझ में नहीं आता, कुछ डिफरेंट टेस्ट वो चाहिए होता तो वो हमें आके जो है मतलब गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा, तो हम लोग हर चीज़ के ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं, और प्लस यही हमारा एक गोल है कि हमें अच्छे से अच्छा अपनी पब्लिक को, अपने कस्टमर्स को खिलाना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, एक स्टोरी भी है क्योंकि भाई आप लोगों की वजह से जो है ना एक कैटरिंग और एक कोई भी इदारा वजूद में आता है, आप लोग बिरयानी को लाइक करते हैं। अच्छा ये बताएं कि बिरयानी को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं अभी या निहारी को? अच्छा जो बिरयानी लवर्स हैं वो मेरे पास रिपीटेड बिरयानी पे आ रहे हैं, जो नहारी लवर्स हैं वो रिपीटेड नहारी पे आ रहे हैं, सो मैं कुछ कह नहीं सकता है कि मतलब ज़्यादा किसके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बैलेंस में ही चल रहा है, क्योंकि दोनों मेरे आइटम में बिरयानी बिकेगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, नहारी बिकेगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा। यार बहुत ज़बरदस्त हो गया,
पकवान के साथ, कैटरिंग के साथ और सारे माहौल के साथ फैज़ान भाई का सबसे अच्छा जो इखलाक है यार, बहुत ज़बरदस्त है इखलाक के, बहुत अच्छे बंदे हैं, नरम मिजाज बंदे हैं। और फाइनली ये कहूँगा कि यार बिरयानी का यार अपना टेस्ट है और निहारी का अपना टेस्ट है, इन दोनों का हम कंबाइन करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पुलाव या बिरयानी नहीं है, बिरयानी वर्सेस निहारी है। तो ये बिरयानी हमने जो ऑर्डर करवा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर जगह बिरयानी को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, वाह ज़बरदस्त ये चीज़ ज़बरदस्त, आह बोटी उसके ऊपर बिरयानी, थोड़े से सादे सारे चावल, ये चीज़ यार, यार वाकई में ये बंदा है बहुत ज़बरदस्त बंदा है, आह ज़बरदस्त। और ये आ गई इसके ऊपर पाया, मैं नली कहने वाला था दोबारा से, ये आ गई इसके ऊपर पाया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये आ गई बिरयानी, पाया बिरयानी जिसे मैं आज कह रहा हूँ। तो आज आपको ये भी टेस्ट करके दिखाते हैं और उसकी डेफिनेशन करते हैं। तो मैं अभी बैठा हूँ फ्रेंड्स ये डाइनिंग के अंदर और काफ़ी यार अच्छा सा जना इन्होंने टाइल वगैरह कुर्सी वुर्सी और सबसे अच्छी चीज़ ये जो टेबल बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि यार ये टाइल्स लगाए हुए, लेकिन ये टाइल्स नहीं है, ये प्लास्टिक है, लेकिन इसके ऊपर डिज़ाइन है बड़ा ज़बरदस्त है और इसके ऊपर खाना रख के खाने का अपना मज़ा है। और ये इसका जो है मेन्यू है और ये जो मैंने अभी बिरयानी जो ऑर्डर करी ये आपको जो है टेस्ट करके दिखानी। आज जो है ये पाया बिरयानी है, मैं भी नली बिरयानी समझ रहा था काफ़ी देर से आपको बता भी रहा हूँ, तो आज ये टेस्ट करते हैं कि पाया बिरयानी कैसी होती है। और अगर हमारे फ्रेंड्स में से किसी ने खाई हो पाया बिरयानी तो हमें यार कमेंट में मेंशन करें कहाँ की खाई और कैसी लगी, तो हम वहाँ पे भी अगर वो करीबी हुआ जहाँ पे हमारा मुमकिन हुआ तो हम वहाँ पे ही पहुँच के वो भी वीडियो बना देंगे। तो ये भाई ज़बरदस्त, इनका जो गोश्त है गोश्त बिल्कुल यार खालिस गोश्त है, एकदम पिंक पिंक और सफ़ेद सफ़ेद सा गोश्त है और बिल्कुल ये ना यूँ समझ लें कोई चिकनाई नहीं है, जो चिकनाई खाने वाले हैं वो अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन यार बड़ा वे भी लुक तो आ रहा है। बेस्ट हो गया, गुड हो गया। मैं आपको पिछली भी कई वीडियोस में मैंने आपको बताया भाई हर बिरयानी का अपना लुत्फ होता है, अपना मज़ा होता है, इसका भी जो एक अपना टेस्ट है इनके हाथ का, फैज़ान भाई के कारीगरों का, उनके जो वर्कर हैं उनका और फैज़ान भाई के हाथ का। ये मैं एक और बाइट ले रहा हूँ। मैं जो है बिरयानी में अक्सर फ्रेंड्स से सारे चावल जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मसाला जो है हो लेकिन ज़्यादा ना हो, ये इस चीज़ को मैं लाइक करता हूँ। तो मैंने जो है सारे चावल ज़्यादा रखे हैं, मसाला थोड़ा कम रखा है, लेकिन यार बिरयानी की अलग ही खिलती हुई है ना नज़ारा पेश कर रही है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, कम ऑयली है, जो लोग ऑयल कम खाते हैं वो भी यहाँ पर आकर बहुत ज़बरदस्त इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेटर है बिरयानी। माशाल्लाह फ्रेंड्स, वाकई हर जगह माशाल्लाह और सब कुछ ये लिखा हुआ है, तो बिरयानी भी बड़ी ज़बरदस्त वीआईपी थी। दोबारा से मैं यही कहूँगा कि भाई हर जगह की बिरयानी बिल्कुल अलग होती है और इन भाई साहब का बराबर में जो है कैटरिंग भी है, यहाँ पे जो है डाइनिंग है, डाइनिंग जो है बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है और यहाँ का यार मुझे लुक जो है बड़ा अच्छा लगा, पुरसकून माहौल है, जो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ आके खाना चाहें तो बिल्कुल ईजीली होके, और कोई मतलब आपस में दोस्त यार भी आना चाहें तो बिल्कुल आके खा सकते हैं। ज़बरदस्त था और बड़ा वीआईपी मज़ा आया इन मलिक बिरयानी, पाया बिरयानी जिसे हम कहेंगे, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया।